ज्योग्राफिकल रीजन एंड सोर्सेज में फ़र्स्ट पार्ट में हम लोग जोग्राफिकल सोर्सेज जोग्राफिकल फीचर्स क्या था और वो कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है या हिस्ट्री को कैसे बताता है वो हम लोग देखे सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग ने देखा कि लिटरेरी सोर्सेज क्या है उसका सिग्निफिकेंस क्या है लिमिटेशन क्या है इम्पोर्टेंस क्या है कलहाना नहीं क्या का है और अब हम लोग देखेंगे आर्किोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में आर्किलॉजिकल सोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस रहा है अगर मैं चाहती तो एक ही वीडियो में तीनों चीज़ को कवर कर सकती थी बट अगर एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा तो इट विड बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट टू इट सो आई हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट वाइज वीडियोज सो दैट यू गेट इट नाइसली बिकॉज दिस इज़ योर ऑनर सब्जेक्ट और ऑनर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उसके बारे में अच्छे से बोल पाएं ये नहीं कि बस लाइन बाई लाइन रीड कर रहे हैं और एग्जाम परस्पेक्टिव से दे दिए आप इसे ऑनर्स कर रहे हैं और आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ इमेंस अमाउंट ऑफ आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेज हैव बीन गैदर्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्जॉवेश बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाइंड हुआ है एग्जॉर्वेशन से मतलब खुदाई से या खोज करके दीज एविडेंसेस कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन इंडियन ड्यूरिंग एंशेंट एजेस और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स uh, है इंडिया के लाइफ के बारे में इंडियन के पीपल के लाइफ के बारे में बताता है एंशेंट एज के पीपल के बारे में कि उनका uh, रहने का ढंग कैसे था क्या जैसे कि पेंटिंग्स है जो केस पे बना हुआ तो उससे पता चलता है कि वो लोग किस क्वाड पे ज़्यादा बिलीव करते थे तो कैसा लाइफ था एंशियन पीपल का उसके बारे में हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट सर्सेज एग्जा अलेक्जांडर कनिंगम वर इन द फोर फ्रंट दे एफर्ट्स ब्रॉट लाइट मैनी हिडन डायमेंशन इन द लाइफ ऑफ इंडियन ऑफ एंशियन बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे हैं जिन्होंने एब्जर्वेशन्स किया है और बताया है जिनके वजह से हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में पता चला है बहुत सारे टाइप के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं ये आप एक डायग्राम फॉर्मेट में ऐसे करके इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे करके लिख के यहाँ यहाँ लिख दीजिए और एक डायग्राम बना दीजिएगा अगर आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंहेंसिंग रखिएगा तो आप ज़्यादा मार्क्स फैच कीजिएगा तो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है इंस्क्रिप्शन कॉइंस पॉटरी मॉन्यूमेंट्स टूल्स एंड एम्प्लीमेंट्स ऑर्नामेंट फूड फूडग्रीन्स एंड स्केलेटन्स तो इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ रहता है कागज पे कॉइंस सिक्का पॉटरी जो पॉट्स रहता था उस पर कलाकारी किया रहता था मॉन्यूमेंट्स ताजमहल लाल किला टूल्स एंड एम्प्लीमेंट्स टॉयज जो बना रहता था इस सब के बारे में आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट विद अ इंस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है क्या इंपॉर्टेंस है एपीग्राफी ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडी इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करता है उस ब्रांच ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं हम लोग एपिग्राफी कहते हैं बताता है पोलिटिकल लाइफ के बारे में सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ के बारे में लोगों के ऑब्जेक्ट यूज फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन और हम लोगों को इंस्क्रिप्शन के Uh, द्वारा मटेरियल क्या यूज़ था मटेरियल कल्चर आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करें मटेरियल कल्चर क्या था उस समय उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलता है तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी करता है उस ब्रांच को एपिग्राफी कहते हैं और इसके इंस्क्रिप्शन uh, uh, से हम लोगों को पॉलिटिकल सोशल कल्चर लाइफ के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन हम लोगों को बताता है कि उस समय का मटीरियल कल्चर कैसा था कैसे uh, चीज़ पे क्या चीज़ यूज़ होता था गोल्ड सिल्वर कॉइन ये सब क्या यूज़

प्लेस ऑफ डिस्कवरी पता चलता है अंडरस्टैंडिंग द पोलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ़ द किंगडम एंड द एम्पायर इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि पोलिटिकल बाउंड्री उस एम्पायर का कितना था क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन में उस एम्पायर के बारे में लिखा रहता है एम्परस के बारे में लिखा रहता है और उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा रहता है अचीवमेंट्स से हम लोगों को पता चलता है कि वो कौन से कौन से टेरिटरी को कैप्चर किया जिससे एक्सटेंट के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं द डिस्कवरी ऑफ अशोकन एडिक्ट कंधारा इंडिकेट्स दट अफगानिस्तान वॉज विद इन द मॉडर्न एम्पायर जो अशोकन एडिक्ट कंधार में मिला है उससे हम लोगों को पता चलता है कि अफगानिस्तान जो था वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर ही था दराई इन दैट मॉडर्न एम्पायर नेपाल तराई रीजन में जो एडिक्ट को यह पता चलता है कि मॉडर्न एम्पायर जो है वो एक्सटेंड किया था फुटिल्स ऑफ हिमालय इन द नॉर्थ तक हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से उस समय का कैसा स्क्रिप्ट था कैसे लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते थे वो पता चलता है जैसे कि अभी अभी के लोगों के बारे में अगर फ्यूचर में किसी को पता करना होगा तो कैसा लैंग्वेज यू तो अब तो स्क्रिप्ट देखा जाएगा तो हिंदी इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस आते इन द वर्ल्ड फ्रेंच लैटिन अमेरिकन तो कैसे पता चलेगा स्क्रिप्ट से ही तो उस समय का इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चला कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट से कि उस समय का लैंग्वेजेस कैसा था अशोकन इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्ड प्रकृति वॉज अ कॉमन लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न एज अशोकन इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि प्रकृति जो था उस समय का बहुत कॉमन लैंग्वेज था और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यूज होता था मॉडर्न एज में डिटेल्स ऑफ रूलर्स हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से रूलर्स के बारे में पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स द ग्रेटनेस ऑफ समुद्र गुप्ता समुद्र गुप्ता कैसे रूलर थे उनके बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन से उनके अचीवमेंट्स के लिए अचीवमेंट्स को बताया गया अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स को बताया गया है पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन अशोकन इंस्क्रिप्शन कंटेंट्स डेजिग्नेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस ऑफिशल्स इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनस भी पता चलता है कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था जैसे कि अभी आ, मैंने पहले भी लिटरेरी सोर्स में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट है डिफेंस डिपार्टमेंट है उस समय भी डिपार्टमेंट्स थे डिफरेंट और उनके फंक्शंस थे डिफरेंट तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में अशोका इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि उस समय डिफरेंट डेजिग्नेशन थे मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया अभी के जैसे प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो डिफरेंट डेजिग्नेशन और सब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस समय भी डिफरेंट डेजिग्नेशन थे और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी था वेरियस ऑफिशियल्स का तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बताता है हम लोगों को इंस्क्रिप्शन सोशल कल्चर लाइफ के बारे में बताता है हम लोगों को इंस्क्रिप्शन ईरान इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड दैट फर्स्ट रिकॉर्ड रेफरेंस ऑफ सती सोशल कल्चर लाइफ कैसा सोशल कल्चर लाइफ था पहले में तो पहले के लोग क्या हिंदुज़म फॉलो करते थे बुद्धिज़म फॉलो कब करते थे जानज़म कैसे इवोल्व हुआ तो ये सब कैसे हम लोगों को पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है इंस्क्रिप्शन से पता चलता है ईरान इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया है जिसमें रेफरेंस ऑफ सती दिया गया है कि उसमें सती था तो सत्ती के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला ईरान इंस्क्रिप्शन से मेनी इंस्क्रिप्शन कंटेन्स डील्स ऑफ डोनेशन इशूड टू टेम्पल्स एंड मोनीस्ट्रीज़ और हम लोगों को बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चला है कि डोनेशन उस समय भी प्रेवलेंट थे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में उस समय भी डोनेशंस पैसा चंदा दिया जाता था रिलीजियस लाइफ के बारे में इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन टेल्स एस अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द मौर्न अशोका इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि रिलीजियस लाइफ कैसा था मौर्य में जैसे कि अशोका के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बाद में बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं मोटा इंस्क्रिप्शन विलेज नियर द मथुरा थ्रोज लाइट ऑन द भगवतिज्म एक मोटा इंस्क्रिप्शन है ये एक यूनिक है आप इसको लिख सकते हैं और इसको अंडरलाइन कर दीजिए तो ये सबसे क्या होगा आपका आंसर जो है इन्हांस होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स रिलीजियस लाइफ लिखिए उसको अंडरलाइन कीजिए अशोकन इंस्क्रिप्शन और रिलीजियस लाइफ ऑफ मोर्या फिर मोटा इंस्क्रिप्शन अंडरलाइन फिर उसके बारे में ये क्या था तो ये मथुरा में मिला है और ये भगवतजम के बारे में बताता है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इंस्क्रिप्शन बताता है कि उस समय का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था लुम्बनी पिलर एडिक्ट अशोकन रिड्यूज लुम्बनी पिलर एडिक्ट जो था वो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताता है कि उस समय का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था तो अशोका जो थे वो लैंड रेवेन्यू जो थे विलेजेस का वन फोर से वन एट कर दिए थे और भागा जो सेरेमोनियल गिफ्ट था वो ख़त्म कर दिए थे विलेज में से वेलफेयर मेजर्स बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स भी किया गया था ये भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से पता चलता है तो अशोकन एडिक्स से हम लोगों को पता चलता है वेलफेयर मेजर्स के बारे में कि बहुत सारे पेड़ को जो है रास्ते के बगल में प्लांट किया गया था ताकि जो लोग फॉरेनर्स आए जानने के लिए कि इंडिया क्या है उनको दिक्कत नहीं हो या तो और भी इन्वायमेंट फ्रेंडली के लिए भी बहुत सारे वेल्स और डगस को भी बनाया गया था जिससे पानी पीने की सुविधा हो अगर कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं या कोई घूमने जा रहा है या टेंपल्स में लोग विजिट करते थे उस समय तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रेस्ट हाउसेस बिल्ड किया गया था रेस्टिंग फॉर ट्रैवलर्स अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए रेस्ट हाउसेस था तो ये सब वेलफेयर मेजर्स था जो अशोकन एडिक्ट से हम लोगों को पता चलता है अब हम लोग क्वाइन देखेंगे सिग्निफिक्स ऑफ कॉइन कॉइन का क्या सिग्निफिकेंस था coin जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है नो no डाउट जैसे कि गुप्ता एम्पायर जो है वह पूरा गुप्ता एम्पायर हम लोगों को क्रोनोलॉजी से पता चलता है क्वॉइन के द्वारा ही लेट स्टार्ट विदिन हिस्ट्री ऑफ क्वन इट स्टार्टेड फ्रॉम द सिक्स सेंचुरी बीसी तो कॉइनेज का हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है सिक्स सेंचुरी बीसी से व्हेन द पंच मार्क कॉइंस बिगिन टू बी इशू सबसे पहले जो कॉइन इशू होता था वो था मार्क कॉइन और मार्क कॉइंस वो था जिसपे पंच किया जाता था जैसे कि किसी भी क्ले को लिए आप उस पर पंच किए तो उस पर पंच क्या होता था कोई भी इम्पेर का नाम उनका रेन अगर वो स्लेयर ऑफ लाइन से इनको कंपेयर किया जा रहा है तो लाइन लाइन का फोटो ऐसे करके मार्क कॉइंस पहले इशूज़ होता था इशू होता था सो हिस्ट्री ऑफ कॉइन इज स्टार्टेड फ्रॉम द सिक्स सेंचुरी बी सी वन द पंचमाह कॉइंस बिगिन टू बी इशूड दीज व इरेगुलर पीसेज ऑफ सिल्वर हैविंग सिम्बल्स पंचड ऑन इट और ये सब इरेगुलर पीसेस था सिल्वर का जिसपे सिम्बल्स पंचड थे सेकेंड सेंचुरी बी सी में इंडो ग्रीक्स द फर्स्ट टू इशू कॉइंस हैविंग देयर नेम्स एंड पिक्चर्स ऑफ अ क्वीन किंग डेट टाइटल एक्सेट्रा सबसे पहला पंचतमा क्वाइंस कौन इशू किया था सेकेंड सेंचुरी बी सी में ग्रीक जो थे वो सबसे पहले इशू किए थे पंचम क्वाइंस जिसमें किंग का नाम पिक्चर उनका डेट और टाइटल मेंशन था न्यूमिस्मेटिक इज अ स्टडी एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ द क्वाइनेज तो क्या ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ क्वाइनेज है न्यूमिस्मैटिक इट इज इंपॉर्टेंट और आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है इट टेल्स एस अबाउट मटीरियल कल्चर एट दैट टाइम गोल्ड सिल्वर सी यू वर यूज तो कॉइन से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय का मटीरियल कल्चर कैसा था पहले का मटेरियल कल्चर कैसा था ये चीज़ हम लोगों को कॉइन से पता चलता है कि पहले के लोग ज़्यादा गोल्ड यूज़ करते थे मतलब स्टेट बहुत प्रॉस्पेरस था यह भी चीज़ हम लोगों को पता चल रहा है तो हम लोगों को कॉइन से मटेरियल कल्चर के बारे में भी पता चलता है क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स बाय नेम ऑन द कोइंस से हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स पता चलता है जैसे कि पूरा गुप्ता एम्पायर जो है वो क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है वो हम लोगों को कॉइन से ही पता चला है क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्ता रूलर वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कॉइंस तो जितना भी गुप्ता रूलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन्स है वो हम लोगों को कॉइन से ही पता चला है क्रोनोलॉजी में मिलिट्री अचीवमेंट हम लोगों को पता चलता है कॉइन से अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स इशूड बाई समुद्र गुप्ता इनफॉर्म दैट ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्र समुद्र गुप्ता जो थे एक बहुत ही मिलिट्री uh, कॉन्क्र थे तो उनके में हम उनके कॉइन में हम लोग देखते हैं कि अश्वमेधा टाइप ऑफ कॉइन्स उनके रेन में देखते हैं अश्वमेधा टाइप ऑफ कॉइंस इशू होते थे तो जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वो बहुत ही ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्र थे रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ हम लोगों को कॉइन से उस समय के लोगों का रिलीजियस आइडियाज कैसा था बिलीव कैसा था ये भी पता चलता है क्योंकि कुछ कॉइन्स में गॉडेस दुर्गा या पिकॉक वो फाउंड हुआ है गुप्ता में जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय का रिलीजियस लाइफ कैसा हो सकता है दुर्गा का मतलब हिंदुज्म फॉलो हो रहा था पिकॉक इट सिंबल ऑफ हिंदुजम सो इससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रिलीजन और बिलीफ को फॉलो कर रहे थे प्योरिटी ऑफ कॉइंस क्वाइंस से हम लोगों को पता चलता है प्योरिटी ऑफ कॉइन से कि उस समय का स्टेट कितना प्रॉस्पेरस था जैसे कि गुप्ता रेन में हम लोग देखते हैं कि गोल्ड कॉइंस फॉर दे वेरी मच गोल्ड कॉइंस इशू तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट में था अगर बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइंस नहीं फाउंड हुआ तो इसे पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स उतना नहीं था अगर ज़्यादा क्वाइंस फाउंड हो रहा है तो इससे भी पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा था तभी तो क्वाइंस का एक्सचेंज हो रहा था और क्वाइंस का स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा था इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड क्वाइं से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय का लैंग्वेज कैसा था उस समय क्या स्क्रिप्ट यूज होता था इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द किंगडम एंड किंगडम एंड एम्पायर्स कॉइंस में जो थे वो एक्सटेंड लिखा रहता था कि इतना से इतना समय था तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का टेरिटोरियल एक्सटेंड कितना था और कितने से कब से कब तक तो वो लोग रूल किए हैं ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स मोर कॉइंस इन दैट पीरियड फाउंड मोर ट्रेड वॉज देयर ज्यूरिंग दैट टाइम जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हम लोगों को कॉइंस मिलता था या मिला है या मिले, मिलेगा उससे हम लोगों को यही चीज़ पता चलेगा या पता चलता है कि उस समय का ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा था अगर ज़्यादा कॉइंस मिला इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा है वहाँ का तभी तो ज़्यादा क्वाइंस मिल रहा है सो so, कॉइन्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिस्ट्री को डेसिफो करने में और कॉइंस जो है वो आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है और कॉइन के ब्रांच ऑफ स्टडी को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं वहीं पे uh, हम लोग कॉइन को पढ़े सबसे पहले हम लोग जोग्राफिकल और uh, कि हिस्ट्री में जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस कैसा है हिमालयाज़ का पढ़ें उसके बाद हम लोग देखें कि मिनरल्स एंड सोर्सेज का कैसे इंपॉर्टेंस है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे हेल्प uh, किया हिस्ट्री को इवोल्व होने में है ना हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों हुआ या रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ तो ये सबसे हम लोगों को जोग्राफिकल के बारे में पता चला जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में पता चला सोर्सेज में टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोसेस का हम लोग सिग्निफिकेंस देखें इंपॉर्टेंस देखें लिमिटेशन देखें कि क्या क्या लिमिटेशन होना चाहिए फिर उसके बाद हम लोग कलहाना जो एक बहुत अच्छे कश्मीरी हिस्टोरियन है उनके बारे में जाने ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस टू लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं इस लेक्चर में हम लोग ने मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे फोकस किया कितने टाइप के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं इंस्क्रिप्शन और कॉइन जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इस पर हम लोग ने ज़्यादा फोकस किया है इंस्क्रिप्शन उसके स्टडी को क्या कहते हैं फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन से हम लोग पॉलिटिकल लाइफ कैसे डिस्कवर करते हैं मटेरियल कल्चर के हम लोगों को मटेरियल कल्चर के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है क्रोनोलॉजी के बारे में कैसे पता चलता है या उस समय का रिलीजियस लाइफ कैसे था वो पता चलता है इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को तो ये सब चीज़ें हम लोगों को स्क्रिप्ट कैसा था अशोकन रेन में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट था लैंग्वेज प्रकृति था तो ये सब चीज़ हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से पता चलता है क्वाइंस क्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वाइंस से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय का पूरा क्रोनोलॉजी कैसा था जैसे कि गुप्ता इम्पैक्ट का पूरा क्रोनोलॉजी ही क्वाइंस में है तो कॉइन्स जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को डेस्फर करने में तो विद दिस लेक्चर वी आर डन विथ यूनिट वन ऑफ द बी एच आई सी कोड हंड्रेड एंड वन और नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर फोर में हम लोग कवर करेंगे यूनिट टू को थैंक यू एवरीवन